हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके जस्ट पीछे मैंने एक क्वेश्चन एक वीडियो और दिया था, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन कराया था, और इस वीडियो में 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद 5 क्वेश्चन का एक और वीडियो आएगा। यदि आप लोगों ने यह 3 वीडियो देख लिया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी में लेता हूँ, 85% क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। 85% से कम क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आएंगे। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि छठवां क्वेश्चन है, जल संचयन से आप क्या समझते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जल संचयन क्या है या वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए, जब वर्षा होती है, जब बारिश का समय आता है तो वर्षा होती है तो कुछ पानी होता है जमीन सूखने लगता है। जब शुरू शुरू में वर्षा होती है तो कुछ पानी जमीन सूख लेता है, और वर्षा होने के बाद कुछ पानी होता है जो सूखने के बाद जमीन के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। ये जो पानी जमीन के ऊपर बह रहा है, जमीन के ऊपर बह रहा है, इसी पानी को क्या करना है, किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी कुएं में स्टोर करना, ठीक है। किसी कोई नाली बनाकर क्या करना, या किसी भी माध्यम से इस पानी को जो बह रहा है जमीन पर, इसी को एकत्रित करना, और एकत्रित करके इसी पानी को अपने कृषि में प्रयोग, कृषि के कार्य में प्रयोग लेना है, क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। समझ में आप लोगों को, समझ में आ जाएगा अभी। चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समझाएंगे, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है, वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना, तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण, एकत्रित जल को वाष्पीकरण मतलब वाष्प द्वारा उड़ने से, और निष्पंदन मतलब जमीन द्वारा सूखने से, ठीक है। वाष्पीकरण मतलब द्वारा, वाष्पीकरण मतलब होता है कि पानी जो है वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में ऊपर जाता है, वाष्प बनकर उड़ता है, तो उस वाष्पीकरण को रोक कर, और निष्पंदन मतलब जमीन सोखता है, उस सोखने की प्रक्रिया को रोक कर, इन सभी हानियों से बचाकर फसल उत्पादन के उपयोग में लेना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। समझ में आया कि वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना, एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निष्पंदन की हानियों से बचाकर फसलोत्पादन के उपयोग में लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार से एकत्रित जल का उपयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है जब फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह जो पानी होता है, इस पानी का उपयोग तब किया जाता है शुष्क मौसम में जब हमें हमारी फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब हमें इसमें शुष्क खेती के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर जब शुष्क खेती के बारे में पढ़ना है तो हमें इन सभी माध्यम का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस विधि में पानी जो होता है प्राकृतिक निचले क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्रित किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार ऐसे तालाबों का क्षेत्रफल एवं गहराई बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, उसका एरिया मान लीजिए 50 स्क्वायर फीट है, आप इस एरिया को बढ़ाकर 60 स्क्वायर फीट कर सकते हैं, 100 स्क्वायर फीट कर सकते हैं, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट है, एकत्रित जल को वाष्पीकरण से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए क्षेत्रों में उपलब्ध पानी पर तैरने वाले पदार्थों का उपयोग करके करना चाहिए, ताकि जल एवं वायुमंडल का संपर्क टूट जाए और वाष्पीकरण की क्रिया कम होने पाए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब है तो आपका जल यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, तो जब धूप आएगा वाष्प, वाष्प के रूप में आपका जल जो है ऊपर उड़ने लगेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित जैसे केला हो गया, केले का जो पौधा उसको लाकर पानी के ऊपर फेंक देंगे बहुत सारा, तो इससे क्या होगा, इससे वायुमंडल का संपर्क टूट जाएगा जल से, ठीक है। जल का संपर्क इससे, तो सॉरी, जल एवं वायुमंडल का संपर्क टूट जाएगा दोनों का आपस में, इससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अपने क्षेत्र में उपस्थित तो कुछ पदार्थ को फेंक कर पानी के ऊपर जल और वायुमंडल का संपर्क तोड़ दे, इससे वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, ठीक है। समझ में आया, चलिए देखते आगे। अब हमने वाष्पीकरण से बचाने की प्रक्रिया देख ली, अब निष्पंदन से कैसे बचाएंगे। तो तालाब की निचली सतह से रिसाव द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए अगर संभव हो तो तालाब की निचली सतह को सीमेंट व कंक्रीट की सहायता से पक्का बनवा देना चाहिए, अन्यथा यदि पक्का नहीं बनवा सकते हैं तो 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत भूसे की लगाकर उसके ऊपर से 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत चिकनी मिट्टी की लगा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो पानी है वह भूमि द्वारा बहुत कम ही सूख पाएगा, बहुत मतलब बहुत नाम मात्र, ठीक है।
तो यह था वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जल संचयन के बारे में विस्तार से। जल संचयन क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझाया कि जल संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है, इसी जल को किसी निचले स्थान पर एकत्रित करना और एकत्रित जल को अपने फसल उत्पादन में प्रयोग लेना क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो इस यह जो पानी है इसको वाष्पोत्सर्जन से रोकने के लिए अपने क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी पदार्थ को, जैसे केले के पौधे को मैंने बताया, किसी भी पदार्थ को पानी के ऊपर फेंक कर वायुमंडल और जल का संपर्क तोड़ देने से वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। भूमि की निचली सतह में निस्पंदन से जल की हानि को रोकने के लिए चाहे यदि संभव हो तो भूमि की निचली सतह को पक्का बना देना चाहिए। यदि संभव न हो तो 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत भूसे की लगाकर ऊपर से 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत चिकनी मिट्टी की लगा देनी चाहिए, इससे भी जल का रिसाव नहीं होगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, फोन करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके, चाहे जिस भी माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नमी आघात क्या है, नमी आघात का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नमी आघात या मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है, नमी आघात का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। तो शुष्क खेती में नमी जो होती है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, इसकी कमी से उपज में भी कमी होती है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो शुष्क खेती होती है, ड्राई फार्मिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर नमी जो होता है, ड्राई फार्मिंग नहीं वहीं पर भी आप यदि कृषि करेंगे तो वहाँ पर नमी सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, इसकी कमी से उपज में कमी हो जाती है और पौधा भी सूख सकता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान में किसी बाह्य कारक का जंतु पर पड़ने वाला कुप्रभाव आघात अथवा दबाव कहलाता है। जीव विज्ञान में किसी बाह्य कारक का जंतु पर पड़ने वाला कुप्रभाव आघात अथवा दबाव कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल या नमी की आघात से तात्पर्य यह है कि जल की कमी या अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप लोग मैं बता दूं कि मॉइस्चर स्ट्रेस जो होता है, नमी आघात जो होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जल की कमी से ही होता है, जल की अधिकता से भी नमी आघात होता है, याद रखिएगा। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि जल या नमी के आघात से तात्पर्य है कि जल की कमी या अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब यदि जल की कमी हो जाएगी उसका भी कुप्रभाव पड़ेगा, अधिक हो जाएगा उसका भी कुप्रभाव पड़ेगा। इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है, इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है, परंतु जल आघात को सामान्यतः जल की कमी के कुप्रभाव से जोड़ा जाता है, परंतु जो जल आघात होता है, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, इसको ज्यादातर जल आघात में जल की कमी के कुप्रभाव से जोड़ा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि थोड़ा सा आगे देखते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों की दैहिकी कार्य की अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव नमी आघात कहलाता है। यदि सिर्फ एक नंबर में पूछा तो आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, नमी की कमी कारण भी हो सकता है, अधिकता कारण भी हो सकता है, यही मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों की दैहिकी कार्य की अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव नमी आघात कहलाता है। नमी की कमी अथवा नमी की अधिकता के कारण पौधों की दैहिकी कार्य की अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव ही नमी आघात कहलाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि जल की कमी से नमी आघात का विकास कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जल की कमी से नमी आघात का विकास कैसे होता है। देखिए, जब पौधे द्वारा जल ग्रहण की तुलना में उससे वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। ठीक है, जब पौधे द्वारा जल ग्रहण की तुलना में उससे अधिक वाष्पीकरण हो जाता है तब उस पर नमी का आघात हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पौधे ने 2 लीटर पानी को क्या किया, अवशोषित किया, और वाष्पोत्सर्जन हो गया 2.5 लीटर पानी का, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नमी आघात हो जाएगा। ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ कि जब पौधे द्वारा जल ग्रहण की तुलना में उससे वाष्पीकरण अधिक हो जाता है तब उस पर नमी का आघात हो जाता है। ऐसे भूमि से पानी का अधिक या पौधे के द्वारा कम जल ग्रहण होने के कारण होता है। ऐसी जो अवस्था होती है वह भूमि से पानी का अधिक या पौधे के द्वारा कम जल ग्रहण होने के कारण होता है। तो उम्मीद करती है थोड़ा समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं नमी की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, यह जो नमी आघात का प्रभाव है आपकी सीरीज में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा लॉन्ग में दिया हुआ है, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बताऊंगा। यदि आप लोगों को देखना है तो आप लोग सीरीज से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यह जो नमी आघात का प्रभाव, इसको पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नमी आघात का प्रभाव। तो नमी आघात का पौधों पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो पहला है पादप नमी स्तर पर प्रभाव, पादप की नमी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पानी की कमी से पौधों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब पानी की कमी हो जाता है किसी पौधे में तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। शोषण, स्थानांतरण तथा पौधे की सतह से वाष्पीकरण के द्वारा पौधे में उपस्थित जल की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। नमी आघात से पौधे की पत्तियों में उपस्थित नमी का
जल विभक्त कम हो जाता है। ठीक है, जब नमी आघात हो जाता है उससे पौधे की पत्तियों में उपस्थित जो नमी का जल विभव होता है वह कम हो जाता है तथा सापेक्षिक जल की मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा जल के वाष्पोत्सर्जन अथवा वायुमंडल की शुष्कता से होता है। ऐसी प्रक्रिया जल के वाष्पोत्सर्जन और वायुमंडल की शुष्कता से होती है। पानी की कमी से स्टोमेटा भी बंद हो जाता है और पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है और पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। आगे देखते हैं, नमी आघात के कारण प्रकाश संश्लेषण में भी कमी हो जाती है। ठीक है, इसकी दर में गिरावट की अपेक्षा पत्ती के क्षेत्रफल में कमी के कारण होता है। ठीक है, जब नमी आघात होता है उसके कारण प्रकाश संश्लेषण में भी कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था इसलिए आती है क्योंकि पत्तियां जो होती है वह पानी की कमी से छोटी हो जाती है, इसके कारण अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, मतलब पूर्ण रूप से। आगे देखते हैं, मैं पॉइंट पॉइंट करके बताऊंगा, आप लोग सीरीज से देख सकते हैं। ठीक है, तो जब पौधे में नमी की कमी होती है, जब कोई पौधा उसके अंदर नमी की कमी होती है, तब इस परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर जो मुख्यतः क्लोरोफिल की मात्रा और पत्तियों के क्षेत्रफल पर निर्भर होती है कम होने के कारण घट जाती है। ठीक है, जब पौधों में नमी की कमी होती है तब इस परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर जो मुख्य रूप से क्लोरोफिल की मात्रा और पत्तियों के क्षेत्रफल पर निर्भर होती है के कम होने के कारण घट जाती है। अगला पॉइंट है, पानी के संरक्षण के लिए रंध्रों के बंद होने और पत्ती क्षेत्र में कमी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रसार में कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण में भी कमी आ जाती है। ठीक है, पानी के संरक्षण के लिए रंध्रों के बंद होने और पत्ती क्षेत्र में कमी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रसार में कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है। श्वसन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण कम हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को याद रखिएगा, मैं नमी आघात का क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो श्वसन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण कम हो जाता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से घुलनशील शर्करा और नाइट्रोजन यौगिकों में वृद्धि होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस होता है जिससे घुलनशील शर्करा और नाइट्रोजन यौगिकों में वृद्धि हो जाती है। अगला, नमी आघात से कोशिकाओं का विभाजन व विस्तार दोनों रुक जाता है। नमी आघात से कोशिकाओं का विभाजन व विस्तार दोनों रुक जाता है। नमी आघात से फसल पकने में देरी होती है। ठीक है, नमी आघात का उपज पर भी प्रभाव पड़ता है। नमी आघात से उपज पर भी प्रभाव पड़ता है, उपज कम हो जाता है नमी आघात का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आज की वीडियो का। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, पलवार से आप क्या समझते हैं? पहले जमाने पलवार को मल्च बोला जाता है। ठीक है, मल्च बोला जाता है पलवार को, क्या बोला जाता है? मल्च बोला जाता है। ठीक है, तो पलवार से आप क्या समझते हैं? पलवार का मृदा गुणों पर प्रभाव व पलवार का लाभ बताइए। ठीक है, मल्च से आप क्या समझते हैं? मल्च का मृदा गुण पर प्रभाव और मल्च का लाभ बताइए। तो चलिए देखते हैं मल्च क्या होता है। तो खेत, क्यारी, गार्डन, यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं और जिस मटेरियल से इसे ढका जाता है या इसे किया जाता है उसी को मल्च कहते हैं। ठीक है, खेत, क्यारी, गार्डन, यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं और जिस मटेरियल से मल्चिंग किया जाता है उस मटेरियल को मल्च बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, मृदा सतह से वाष्पीकरण कम करने, तापमान अनुकूलन, लवणीयता अथवा खरपतवारों को रोकने के लिए मिट्टी, फसल अवशेष अथवा पॉलीथीन से ढकना ही पलवार कहलाता है, मल्च कहलाता है। ठीक है, मृदा की सतह से वाष्पीकरण को कम करने के लिए, तापमान को अनुकूलित करने के लिए, लवणीयता अथवा खरपतवारों को रोकने के लिए मिट्टी, फसल अवशेष अथवा पॉलीथीन से ढकना ही क्या कहलाता है? मल्च कहलाता है, पलवार कहलाता है। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण से वर्षा जल की 60 से 75% हानि होती है। जो वाष्पीकरण होता है उससे वर्षा का जो जल होता है उसमें 60 से 75% की हानि होती है। ठीक है, पलवार के प्रयोग से यह हानि कम की जा सकती है। इसके प्रयोग से नमी बचाने के अतिरिक्त मृदा संरक्षण, ताप का नियमन, मृदा लवणता में कमी, खरपतवार नियंत्रण और मृदा संरक्षण में सुधार आदि कई अन्य लाभ होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, देखिए जो मल्च है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे लाभ भी हैं, लाभ भी मैं अभी आगे आप लोग बताऊंगा। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि वाष्पीकरण से वर्षा का जो जल होता है वह 60 से 75% की हानि होती है। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है उसमें 60 से 75% की हानि हो जाती है वाष्पीकरण से। तो यदि हम लोग मल्च का प्रयोग करेंगे, पलवार का प्रयोग करेंगे तो यह हानि कम हो जाएगी। इससे इसके प्रयोग से नमी बचाने के अतिरिक्त मृदा का संरक्षण किया जा सकता है,
तापक्रम को नियमित किया जा सकता है, मृदा लवणता में कमी की जा सकती है, कैसे कैसे सब होगा अभी मैं आगे सब बताऊंगा, खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है और मृदा संरक्षण में सुधार आदि कई अन्य लाभ भी इससे होते हैं। आगे देखते हैं, मल्च मिट्टी की तापमान को भी संतुलित रखता है। देखिए मैं इतना सब कुछ पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए मल्च क्या होता है। मल्च आप लोग जरूर देखे होंगे, एक प्लास्टिक होता है पतला सा, एक घास फूस जो होते हैं जैसे आपके फसल जैसे पुआल है, ठीक है, धान का पुआल है, पुआल को आप कहीं पर फैला देंगे तो वहां पर भी उसको मल्च का नाम दिया जाएगा। इससे क्या आएगा, इससे वहां पर नमी संरक्षित होगी, ठीक है, खरपतवार नहीं उगेंगे, बारिश होगी तो बारिश के पानी से छिटका नहीं उड़ेगा, ठीक है, उसकी मिट्टी कर जो हुआ नहीं उड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मल्च मिट्टी को भी बोल सकते हैं हम लोग, खरपतवार को सॉरी फसलों के अवशेष को बोल सकते हैं, प्लास्टिक पतली प्लास्टिक आदि इसको बोलते हैं और ज्यादातर यूज इस पतली प्लास्टिक का किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मल्च मिट्टी की तापमान को भी संतुलित रखता है और फसलों को उचित मौसम प्रदान करता है। इसके अलावा यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और फसलों की उत्पादकता में सहायक होता है, ठीक है। मल्च जो होता है मिट्टी की तापमान को संतुलित रखता है और फसलों को उचित मौसम प्रदान करता है। इससे इसके अलावा यह मिट्टी की संरचनाओं को सुधारता है और फसलों की उत्पादकता में सहायक होता है। अगला देखते हैं, मल्च की प्रक्रिया से खेती में पानी का उपयोग कम होता है। मल्च की प्रक्रिया, जब हम मल्च का उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी में पानी का प्रयोग कम होता है, मिट्टी में नमी को संरक्षित करता है मल्च, इससे पौधे को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, ठीक है, जिससे पौधे को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं, इसी में मल्च का मृदा गुणों पर प्रभाव या पलवार का मृदा गुणों पर प्रभाव। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा तो हो सकता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझ में आना चाहिए। मृदा पर प्रभाव, मृदा जल पर मल्च का क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। तो मल्च मृदा जल में सुधार लाता है, मल्च जो होता है पलवार जो होता है मृदा जल में सुधार लाता है क्योंकि इनसे वाष्पीकरण कम होता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है तथा जल की भूमि के अंदर प्रवेश में आसानी के कारण पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, ठीक है। मल्च मृदा जल में सुधार लाता है क्योंकि इनसे वाष्पीकरण कम होता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है तथा जल के भूमि के अंदर प्रवेश में आसानी के कारण पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे पानी के अणुओं में हवा चले जाने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। जिससे क्या होता है, पानी के जो अणु होते हैं उनमें हवा चला जाता है, जिससे क्या होता है वाष्पीकरण कम होता है। सौर विकिरण से वाष्पीकरण की ऊर्जा को ऊर्जा मिलती है, जब सौर विकिरण होता है उससे वाष्पीकरण को ऊर्जा मिलती है और वायु इसके संवाहक के रूप में कार्य करने लगता है। मृदा की सतह पर मल्च का प्रयोग करने पर मृदा तक सौर विकिरण को पहुंचने में बाधा होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। मृदा सतह पर मल्च का प्रयोग करने पर मृदा तक सौर विकिरण को पहुंचने में बाधा होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। मल्च मिट्टी की सतह पर वर्षा की बूंदों का आघात रोकता है, ठीक है। मल्च जो होता है मिट्टी की सतह पर वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनके आघात को रोकता है। यह खरपतवार नियंत्रण में सहयोग करके भी पानी की हानि को रोकता है, यह खरपतवार के नियंत्रण में सहयोग करके भी पानी की हानि को रोकता है, ठीक है। आप क्या करता है, खरपतवार नियंत्रण में सहयोग करके भी पानी की हानि को रोकता है। तो हमने पहला भी पॉइंट देखा आप लोगों को, बताया कि जो पलवार होता है मल्च जो होता है इसका मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, मृदा तापक्रम पर प्रभाव, मल्च का मृदा के तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा तापक्रम पर पलवार का प्रभाव पलवार के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। पलवार किस प्रकार का उस पर निर्भर करता है। अब आप लोग फसलों के अवशेष को लगाएंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, आप ट्रांसपेरेंट लगाएंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो मृदा तापक्रम पर पलवार का प्रभाव पलवार के प्रकार पर निर्भर करता है। सफेद तथा प्रकाश परावर्तन करने वाले पलवार सामग्री या तो तापक्रम कम करते हैं या कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है। ये जो सफेद तथा प्रकाश परावर्तन करने वाले पलवार होते हैं मल्च होते हैं, इस प्रकार की सामग्री या तो तापक्रम को कम करती है या कोई प्रभाव नहीं डालती तापमान पर, ठीक है। पारदर्शी मल्च तापक्रम को बढ़ाते हैं, जो पारदर्शी मल्च होते हैं पलवार होते हैं वह तापक्रम को बढ़ाते हैं। पौधे के अवशेष मल्च तापक्रम को नियमित करते हैं, पौधे के जो अवशेष होते हैं यह मल्च तापक्रम को नियमित करते हैं क्योंकि ये गर्मी में तापक्रम कम तथा जाड़े में बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो देखिए फसलों के अवशेष होते हैं पौधे के अवशेष होते हैं यह मल्च तापक्रम को नियंत्रित करते हैं क्योंकि ये गर्मी में तापक्रम कम तथा जाड़े में बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, तो मृदा लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है मल्च का उसको देखेंगे।
तो शुष्क प्रदेशों में लवणीय मृदाएं पाई जाती है। जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर लवणीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि लवणीय पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लवण होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, अतः ये पानी के साथ सतह पर आ जाते हैं। यदि पर्याप्त वर्षा हो तो निक्षालन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा लवणों को मृदा से दूर किया जा सकता है, किंतु कम वर्षा में लवण थोड़ा नीचे चले जाते हैं और पानी सूखने के साथ साथ सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लवण जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे लवण मान लीजिए भूमि पर है और वर्षा होगी तो वर्षा के पानी के साथ लवण पानी में घुलकर नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे चला जाएगा, लेकिन जब यदि कमी वर्षा होगी, मान लीजिए 1 फुट नीचे गया, ठीक है, कम वर्षा होगी तो यह क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी के साथ साथ ये ऊपर आ जाएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर मल्च का प्रयोग किए रहेंगे तो यह यहाँ से वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा, और वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा तो ये जो लवण है ये ऊपर नहीं आ पाएगा। इससे हम अपने मृदा को लवणता से भी बचा सकते हैं मल्च के उपयोग से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि शुष्क प्रदेशों में लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं, क्योंकि लवण पानी में घुलनशील होते हैं, अतः यह पानी के साथ सतह पर आ जाते हैं। यदि पर्याप्त वर्षा हो तो निक्षालन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा लवणों को मृदा से दूर किया जा सकता है, किंतु कम वर्षा में लवण थोड़ा नीचे चले जाते हैं और पानी सूखने के साथ सतह पर आ जाते हैं। यदि पानी का नीचे जाना अधिक है और वाष्पीकरण कम है, यदि पानी का नीचे जाना अधिक है मतलब पानी अधिक नीचे चला गया है और वाष्पीकरण कम हो रहा है तो लवण ऊपर नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, यदि पानी नीचे चला गया है और वाष्पीकरण कम हो रहा है तो लवण ऊपर नहीं आता है। मल्च के द्वारा पानी ऊपर नहीं आता, ठीक है, तो मल्च के द्वारा पानी जो होता है वह ऊपर नहीं आ पाता। तब फसल मंच का प्रयोग करके, फसल पलवार का प्रयोग करके मृदा में लवणीयता विकास को रोका जा सकता है। इसके द्वारा इसका दूसरा लाभ यह है कि मृदा की संरचना में भी सुधार करता है। ठीक है, तो यह तीसरा पॉइंट था, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है मल्च का। ठीक है, अब इसका लाभ देखेंगे, इससे क्या लाभ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह और बहुत आसान है, समझ में भी आप लोग को आ रहा होगा। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, क्योंकि मल्चिंग होता है एक लेयर होता है। ठीक है, मिट्टी के ऊपर एक लेयर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। मल्चिंग खरपतवार को रोकता है, जब इस प्रकार से मल्चिंग हम लोग बिछा देंगे तो इससे क्या होगा, इसके नीचे खरपतवार दब जाएंगे और वह ऊपर नहीं आ पाएंगे और उसको धूप नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। तो मल्चिंग से खरपतवार में नियंत्रण मिलता है, या मल्चिंग खरपतवार को रोकता है। मिट्टी को फल के संपर्क में आने से फलों के क्षरण को रोकता है। ठीक है, जो क्या होता है कि बहुत सारे फल ऐसे होते हैं कि मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं, यदि यहाँ पर मल्च रहेगा तो मल्च के संपर्क में आएंगे, मिट्टी नहीं लग पाएगी, वहाँ से फंगस और अन्य प्रकार के जो भी रोग लगते हैं वह रोग नहीं हो पाएंगे। तो मल्चिंग के प्रयोग से फलों को संपर्क में आने से फलों की सड़ने की जो बीमारी होती है उससे बचा जा सकता है। पानी और हवा के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बारिश होता है, नीचे गिरता है तो वहाँ से कुछ मिट्टी कट छटक जाते हैं, इसको रोका जा सकता है। हवा के द्वारा मिट्टी उड़ती है उसको भी रोका जा सकता है, मतलब पानी और हवा के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इसके प्रयोग से जमीन के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। इसका प्रयोग करने से जो जमीन होता है उसके अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। मृदा लवणीयता विकास को रोका जा सकता है इसके माध्यम से। वर्षा की बूंदों से होने वाले आघात को भी रोका जा सकता है। तो यह तो था मल्च का लाभ, मल्च का मृदा ग्रुप प्रभाव और मल्च क्या होता है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइम, सब कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्सवेदन अवरोधक से आप क्या समझते हैं। उत्सवेदन अवरोधक को एंटी ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। तो उत्सवेदन अवरोधक से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सवेदन अवरोधकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्सवेदन अवरोधक क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उत्सवेदन अवरोधकों का वर्णन करना है। तो उत्सवेदन अवरोधक क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, उत्सवेदन अवरोधक जो होता है ना, जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एक माध्यम तैयार किया जाता है, जिसको बोला जाता है उत्सवेदन अवरोधक। ठीक है, यह अवरोध उत्पन्न करता है। तो देखते हैं, तो पौधों द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। जो हमारे पौधे होते हैं पानी को जितना ग्रहण करते हैं उसमें से 90% वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। अतः इस पर नियंत्रण के द्वारा पौधों का जल संतुलन सुधारा जा सकता है। ठीक है, यदि हम लोग इसको नियंत्रित करेंगे तो पौधों के जल संतुलन को हम लोग सुधार सकते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ इसे रोकते हैं, जो एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ होते हैं इस वाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ इस वाष्पोत्सर्जन को रोकने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो पौधे द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। अतः इस पर नियंत्रण के द्वारा पौधों का जल संतुलन सुधारा जा सकता है। एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ इसे रोकने का कार्य करता है।
इसका प्रकार देखते हैं कौन कौन सा है। तो यह कुल चार प्रकार का पाया जाता है। एक होता है स्टोमेटा बंद करने वाला पदार्थ, एक होता है फिल्म या झिल्ली बनाने वाला पदार्थ, एक होता है परावर्तन करने वाला पदार्थ और एक होता है वृद्धि कम करने वाला पदार्थ। ये चार प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबको देखेंगे। तो पहला स्टोमेटा बंद करने वाला पदार्थ, ठीक है, ये चार प्रकार जिसके यहाँ कभी कोई पूछ लेता है कि प्रकार ही बताइए, तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकांश श्वासोत्सर्जन पत्तियों की सतह पर वर्तमान स्टोमेटा के द्वारा होता है। कुछ पदार्थ जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जिसे PMA कहा जाता है शॉर्ट में, और कुछ खरपतवार नाशी जैसे एट्राजीन कम सांद्रता पर वास्तुसर्जन को रोकता है, ठीक है। समझिएगा क्या बोल रहा है कि अधिकांश वास्तुसर्जन पत्तियों की सतह पर वर्तमान स्टोमेटा के कारण होता है। कुछ पदार्थ जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और कुछ खरपतवार नाशी जैसे एट्राजीन कम सांद्रता पर वास्तुसर्जन को रोकता है क्योंकि यह स्टोमेटा को बंद कर देता है। स्टोमेटा के बंद हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाता है, किंतु PMA का मतलब फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक कम करता है, ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट जो होता है वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक कम करता है। ग्लास हाउस दशा में इनसे सफलता मिलती है, किंतु खेत में इनका प्रयोग बहुत सीमित होता है। तो स्टोमेटा बंद करने वाले पदार्थ का यूज करके हम लोग स्टोमेटा को बंद करके प्रकाश सॉरी वाष्पोत्सर्जन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। अगला है फिल्म बनाने वाले पदार्थ या झिल्ली बनाने वाले पदार्थ, ठीक है। तो यह इस प्रकार के रसायन होते हैं कि इनको यदि हम लोग अपने पौधे के ऊपर प्रयोग करते हैं तो एक फिल्म बना देते हैं, एक झिल्ली बना देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक और मोम के समान पदार्थ पत्ती पर एक पतली फिल्म बनाकर पानी की हानि को रोकता है, ठीक है। प्लास्टिक और मोम के समान पदार्थ पत्ती पर एक पतली फिल्म बना देता है जिससे पानी की हानि को या जल की हानि को रोका जा सकता है। मोबिलिप हेक्सीडोकोनाल, ठीक है, हेक्साडिकोनाल और मोबिलिप सिलिकॉन आदि फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। याद रखिएगा कि इन सभी पदार्थ का नाम मोबिलिप हेक्साडिकोनाल सिलिकॉन, ये तीन ऐसे फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। चूंकि ये पदार्थ प्रकाश संश्लेषण भी रोकते हैं, इनका इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। ये जो पदार्थ होते हैं हेक्साडिकोनाल और मोबिलिप सिलिकॉन, ये क्या करते हैं, फिल्म बना लेते हैं पत्तियों के ऊपर, इससे प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाता है, इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है। फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट के वांछित गुण होते हैं, फिल्म पतली होना चाहिए, यह पानी का निकलना अधिक रोक सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कम तथा फिल्म के बीच में फिल्म जो होता है वो बीच में टूटे न, इस प्रकार के इसके अंदर गुण भी होना चाहिए। तो इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण को रोक देता है। अगला है परावर्तन करने वाले पदार्थ, ठीक है, रिफ्लेक्टेंट टाइप। तो रिफ्लेक्टेंट टाइप या परावर्तन करने वाले पदार्थ, तो ये सफेद पदार्थ होते हैं और इनके लेप से पत्तियों में परावर्तन चढ़ जाता है, ठीक है। परावर्तन करने वाले पदार्थ अगला है, तो ये सफ़ेद पदार्थ होते हैं और इनके लेप से पत्तियों में परावर्तन चढ़ जाता है। परावर्तन से तापक्रम भी कम हो जाता है तथा पत्तियों में वाष्पीय दबाव को कम करके वातावरण में जल नहीं जाने देता, ठीक है। जो पानी होता है उसको वातावरण में नहीं जाने देता है। 5% केओलिन के छिड़काव से वाष्पोत्सर्जन काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। केओलिन 5% के छिड़काव से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। सिलाइट और डाइटोमेसियस मिट्टी है, ठीक है, सिलाइट एक डाइटोमेसियस मिट्टी है जिससे परावर्तन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा यह जो सिलाइट मैं बता रहा हूँ यह एक डाइटोमेसियस मिट्टी होती है जिससे परावर्तन काफ़ी कम बढ़ जाता है, ठीक है। तो परावर्तन करने वाले पदार्थ को यूज करके हम लोग वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं पौधों से। अगला है वृद्धि कम करने वाले पदार्थ, ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है। तो कुछ रसायन पौधे की भूमि से ऊपर के भाग की वृद्धि को रोकते हैं। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो भूमि से ऊपर के भाग की वृद्धि को रोकते हैं किंतु जड़ की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। इससे पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ती है। साइकोसेल इस प्रकार का एक रसायन होता है, ठीक है। साइकोसेल एक रसायन होता है जो इस प्रकार का कार्य करता है, जो पौधे में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। समानतः सभी एंटी ट्रांसपेरेंट प्रकाश संश्लेषण कम करते हैं, अतः जहाँ अधिक सूखा हो इनके प्रयोग से पौधे मर सकते हैं, किंतु यदि फसल बच जाती है और बाद में वर्षा होती है तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग नर्सरी में भी किया जा सकता है। थोड़े ये फलों को सिकुड़ने से बचाने के लिए मोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह चार प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ है जो कि मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि का विस्तार से वर्णन कीजिए, भारत में इसकी आवश्यकता बताइए। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजन वाला है। तो कभी कभी दे देगा शुष्क भूमि कृषि, कभी कभी दे देगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, कभी कभी बारानी कृषि, वर्षाधीन खेती, वर्षा आधारित कृषि, कुछ भी नाम दे सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शुष्क भूमि कृषि तो वह होती है जहाँ पर 750 mm से अधिक वर्षा होती है और 1150 mm से कम होती है। तो यही बात यहाँ पर भी आपको भी देखिए समझ में आ जाएगी। तो
वही चीजें देख लेके घुमा फिरा कर सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। बारानी कृषि के बारे में, वर्षाधीन कृषि के बारे में, वर्षाधारित कृषि के बारे में, मतलब सब बात एक ही है, चाहे शुष्क भूमि कृषि का है, चाहे वर्षाधीन खेती का है, चाहे वर्षाधारित कृषि का है, आपको यही यूज करना है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, किसी क्षेत्र विशेष पर प्राप्त वर्षा, सिंचाई आदि के आधार पर पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित खेती को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष पर जितनी वर्षा प्राप्त हुई है, सिंचाई के आधार पर पूर्ण रूप से वर्षा पर जो आधारित खेती होती है, उसी को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। यहाँ पर वर्षा पर आधारित खेती हो गई शुष्क भूमि कृषि। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शुष्क भूमि कृषि वही जो आपने अभी बताया था कि 750 से 1150 एमएम होता हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि ऐसी भूमि जहाँ पर 750 से 1150 एमएम तक वर्षा होती है, ऐसी ऐसी भूमि पर खेती करना शुष्क भूमि कृषि कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये कितने एमएम वर्षा होगी इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर यह बात तो जरूर हो रही है कि वर्षा के पूर्ण रूप से वर्षा के ऊपर ही आधारित कृषि होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वह भी आ जाएगा, ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष पर प्राप्त वर्षा, सिंचाई आदि के आधार पर पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित खेती को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं, या शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक होती है, ठीक है। शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक होती है। वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, ऐसे स्थान पर कृषि करना शुष्क भूमि कृषि कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ऐसे स्थान पर कृषि करना शुष्क भूमि कृषि कहलाता है। अगला पॉइंट इसी में, शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती को ही शुष्क खेती कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती को शुष्क खेती कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बारानी खेती या वर्षाधीन खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली होती है। बारानी खेती या वर्षाधीन खेती या शुष्क भूमि कृषि एक प्रकार की कृषि प्रणाली होती है, जिसमें पौधों को मुख्यतः वर्षा द्वारा पोषित किया जाता है, पाला जाता है बिना किसी सिंचाई प्रणाली का उपयोग किए। तो ऐसे इस प्रकार की खेती को ही बोला जाता है शुष्क भूमि कृषि या बारानी कृषि, ठीक है। तो इतना पॉइंट मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, तो इस समझ में आया होगा कि क्या होता है। देखिए, शुष्क खेती, शुष्क भूमि कृषि, तो किसी क्षेत्र विशेष पर प्राप्त वर्षा, सिंचाई आदि के आधार पर पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती सिंचाई किए बिना कृषि करने की तकनीक होती है, या वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ऐसे स्थानों पर कृषि करना शुष्क भूमि कृषि कहलाता है। मतलब कहने के यह समझिएगा सीधे कि जो भी खेती होगी वह वर्षा के पानी से ही होगी, कोई भी सिंचाई का प्रयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार की खेती को बोला जाता है शुष्क भूमि कृषि या बारानी कृषि। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन था कि शुष्क भूमि कृषि का विस्तार से वर्णन कीजिए, भारत में इसकी आवश्यकता बताइए। तो भारत में इसकी आवश्यकता को देख लेते हैं, तो भारत में इसकी आवश्यकता देखेंगे तो भारत में बारानी कृषि की क्या आवश्यकता है। तो पहला है सिंचाई सुविधाओं की कमी। हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर सिंचाई सुविधा जो है जितनी मात्रा में हमारे, क्योंकि भारत देश जो हमारा, यहाँ पर सीमांत किसान सबसे अधिक होते हैं, मतलब छोटे किसान अधिक, इसलिए उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बारानी कृषि की आवश्यकता है। तो सिंचाई सुविधाओं की कमी, तो भारत में सिंचाई सुविधाएं समानता अपर्याप्त होती हैं, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए कम पानी या जल संरक्षण की दिशा में रेनफेड फार्मिंग एक इसका समाधान सिद्ध हो सकता है। अगला है स्थानीय मौसम में बदलाव। तो हमारा भारत देश जो है, यहाँ पर समय समय पर स्थानीय मौसम में बदलाव होता रहता है। अभी देखिए, 2 दिन पहले एकदम धूप हो गया था, गर्मी हो रही थी, उसके बाद बारिश हुआ, ठंडी आ गई। तो स्थानीय मौसम में कब बदलाव हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भी बारानी कृषि की आवश्यकता होती है। तो भारतीय मौसम अनियमितता बढ़ रही है, ठीक है, हमारा जो भारत का मौसम, इसमें अनियमितता बढ़ रही है, मतलब कुछ पता नहीं कि कब ठंडी रहेगी, कब गर्मी आएगी और कब बरसात हो जाएगा। आज के प्रेजेंट टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, वह अलग बात है, लेकिन स्थानीय मौसम में बदलाव होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भारतीय मौसम में अनियमितता बढ़ रही है, जिससे बारिश से खतरा बढ़ रहा है, रेनफेड फार्मिंग इस खतरे को कम करने के लिए हमारी मदद कर सकती है। अगला पॉइंट है घटता जल स्तर। तो यहाँ पर हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे खेती जो है बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जल का स्तर जो है बहुत तेजी से घटता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि बारिश भी बहुत कम मात्रा में हो रही है। तो घटता जल स्तर भी इसके लिए एक आवश्यकता है। तो भारत में जल संसाधनों की घटती स्तर भी एक चिंता का विषय है, इसे देखते हुए रेनफेड फार्मिंग किसानों को सही व्यवस्था के साथ कृषि करने की सीख देती है। मतलब ये हमें यह बताती है कि कम पानी में कृषि कैसे किया जा सकता है, इसलिए हम लोग कम पानी में भी कृषि कर सकते हैं। अगला है कम खर्च। तो सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, इसके विपरीत रेनफेड फार्मिंग कम खर्च में सिंचाई की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, इसलिए हम लोग रेनफेड फार्मिंग के लिए
इसलिए हमारे भारत देश में रेनफेड फार्मिंग की या वर्षा आधारित खेती की या बारानी कृषि की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आज का जो है और पीछे का 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भैया, एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोल रहे हैं कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।